हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल जर्नी टू सक्सेस। तो आज के हमारे सब्जेक्ट का नाम है बिजनेस परफॉर्मेंस मेजरमेंट। जब तक हमें सब्जेक्ट का नेम क्लियर नहीं होगा, हम सब्जेक्ट को नहीं समझ पाएंगे। तो सबसे पहले यही जानते हैं कि हमारा सब्जेक्ट क्या है। बिजनेस परफॉर्मेंस मेजरमेंट मतलब कोई भी बिजनेस है, उसकी जो परफॉर्मेंस है, हम उसको कैसे मेजर करेंगे, कि कैसे जानेंगे कि कोई भी बिजनेस अच्छा परफॉर्म कर रहा है या बुरा परफॉर्म कर रहा है। तो पहला पॉइंट क्या है कि अगर बिजनेस परफॉर्मेंस मेजरमेंट हो या फिर टर्म कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस मेजरमेंट, इसमें इतना ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। दैट इज सेम सेंस जब हम पढ़ रहे हैं हमारे सब सिलेबस में, ठीक है। तो सीपीएम मतलब कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस मेजरमेंट, या फिर आप समझो बिजनेस परफॉर्मेंस मेजरमेंट। तो ये इसमें एक तरह की ब्रॉड टर्म है जिसमें सारी मैथडोलॉजीज, मैट्रिक्स, प्रोसेसेस या सिस्टम्स आ जाएंगे, जिसको हम यूज करते हैं ताकि जो बिजनेस परफॉर्मेंस है किसी भी एंटरप्राइज की, उसको हम मॉनिटर कर सकें और उसको हम मैनेज कर सकें। तो सीपीएम क्या है? कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस मेजरमेंट, जिसमें सारी क्या आएंगी? मैथडोलॉजीज, मेयर्स, प्रोसेसेस, सिस्टम्स, जिससे हम किसी भी बिजनेस परफॉर्मेंस को मैनेज भी कर सकते हैं और जांच भी सकते हैं कि कैसी है बिजनेस की परफॉर्मेंस। तो जो कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस मेजरमेंट है, उसमें हम डिफाइन करते हैं कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी। ऑब्वियसली जो बिजनेस की परफॉर्मेंस है, उसको हम एनालाइज करेंगे और मेजर करेंगे, ताकि हम रिपोर्ट भी कर सकें और रिव्यू कर सकें किसी भी बिजनेस की परफॉर्मेंस, और उसको अलाइन कर सकें जो वहाँ पे काम कर रहे हैं उन लोगों के साथ और उस कल्चर के साथ। तो कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस मेजरमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक तरह से अगर हम लेमन लैंग्वेज में बात करें तो सीपीएम एक तरह का हेल्थ चेकअप हो गया। कोई भी बिजनेस का हम क्या कर रहे हैं? हेल्थ चेकअप कर रहे हैं, ताकि हम उसके लाइफस्टाइल में चेंजेस ला सकें और इम्प्रूव कर सकें, जब भी वो कोई भी डिजायर जो हमने बेंचमार्क सेटअप किया है उससे नीचे जाता है। तो एक तरह से आप सिंपली याद कर लो कि सीपीएम क्या है, एक तरह का हेल्थ चेकअप है किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, ताकि हम देख सकें कि वो सही से चल रहा है नहीं चल रहा, जो हमने डिजायर्ड रेफरेंस पॉइंट रखा है उसके अकॉर्डिंग है या नहीं है, ठीक है। तो सीपीएम मतलब बिजनेस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के कुछ फ्रेमवर्क्स आते हैं जो हम यूज कर सकते हैं, ताकि हम एनालाइज कर सकें कि कोई भी बिजनेस कैसे परफॉर्म कर रहा है। उसमें हम फ्रेमवर्क्स में क्या ले सकते हैं, जैसे बैलेंस्ड स्कोर कार्ड्स बना सकते हैं, EFQM एक्सीलेंस मॉडल्स ले सकते हैं, MPO मतलब मैपिंग स्ट्रैटेजीज बहुत सारी ले सकते हैं, सिक्स सिग्मा टेक्निक्स ले सकते हैं, काफी ज्यादा की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स ले सकते हैं। ये सारे हम आगे वाले यूनिट्स में पढ़ने वाले हैं। कुछ आप फ्रेमवर्क्स के नाम याद कर लो कि कौन से फ्रेमवर्क हो सकते हैं, बाकी डिटेल में तो हम आगे कवर अप कर ही लेंगे, ठीक है। तो फ्रेमवर्क में बैलेंस स्कोर कार्ड, सिक्स सिग्मा, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, क्वालिटी मैनेजमेंट, काफी सारी चीजें आ जाएंगी जिससे हम एनालाइज कर सकते हैं कि कोई भी बिजनेस कैसे परफॉर्म कर रहा है। अब बिजनेस के परफॉर्मेंस को मेजर करने की नीड क्या है? जब तक आप किसी चीज को मेजर नहीं करोगे, आप उसको सुधार नहीं सकते, राइट? इफ यू कांट मेजर इट, यू कांट इंप्रूव इट, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि कमी कहाँ पे है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किसी भी बिजनेस की परफॉर्मेंस को अच्छे से मेजर करो, ताकि आप उसको एनालाइज करके उसमें इंप्रूवमेंट्स ला सको। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है व्हाट इज द नीड, या फिर क्या इंपॉर्टेंस है बिजनेस परफॉर्मेंस को मेजर करने की, ताकि आप अच्छे से मॉनिटर कर सको एंड रिपोर्ट कर सको, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग कर सको, प्रॉपरली बजटिंग कर सको, फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर सको, प्रोग्राम मैनेजमेंट, प्रोग्राम इवैल्यूएशन कर सको, परफॉर्मेंस की मैनेजमेंट कर सको, जो भी क्वालिटी है उसमें इंप्रूवमेंट्स ला सको, या फिर जो आप एक्टिविटीज कर रहे हो उस चीज को बनाने के लिए, जो भी प्रोसेस इन्वॉल्व हो रहा है उसमें इंप्रूवमेंट्स कर सको, कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट कर सको, एक्सटर्नल बेंचमार्किंग कर सको, कम्युनिकेशन विद पब्लिक कर सको। मतलब जितने भी पॉइंट्स आपके माइंड में आते हैं, आप उसमें अपनी पॉइंट्स लिख सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि बिजनेस की परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेजर करना, क्योंकि जब तक आप मेजर नहीं करोगे आप इम्प्रूव नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है हिस्टोरिकल ओवरव्यू। वैसे तो हिस्टोरिकल ओवरव्यू इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो अगर किसी ने स्किप करना है वो स्किप भी कर सकता है, बट स्टिल अगर आपको इसमें से एक दो डेट्स याद करनी है तो आप इनको याद कर सकते हो। यहाँ पे आपको टेबल विजिबल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हिस्टोरिकल ओवरव्यू है कि कैसे कैसे जो बिजनेस परफॉर्मेंस मेजरमेंट है वो स्टार्ट हुआ टिल द एंड, ठीक है। और अभी भी काफी ज्यादा एवोल्यूशन इसमें लगातार आते रहते हैं, ठीक है। कब कब ROI जैसे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एज अ मेट्रिक यूज होने लगा, नॉन फाइनेंशियल इंडिकेटर्स भी इन्वॉल्व होने लगे, बैलेंस स्कोर कार्ड मेथडोलॉजी केम इन टू इफेक्ट, तो ये सारी चीजें आ जाती है, डेवलपमेंट ऑफ द बैंकिंग सिस्टम, ये सब चीजें हैं जो चेंजेस आए। अब जैसे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सारा ब्रीफ हिस्ट्री है, यू कैन स्किप दिस पार्ट, और अगर आपको लर्न करना है आप लर्न भी कर सकते हो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना। नेक्स्ट है प्रोडक्ट कॉस्टिंग क्या होता है, इन प्राइस एस्टिमेट्स एंड प्रॉफिट मैनेजमेंट क्या होता है। ऑब्वियसली कोई प्रोडक्ट की कॉस्टिंग कैसे होती है और प्रॉफिट मैनेजमेंट कैसे होती है, ये सब हम पढ़ने वाले हैं अभी,
ठीक है, अभी प्रोडक्ट कॉस्टिंग क्या होता है? प्रोडक्ट कॉस्टिंग की डेफिनेशन क्या है? प्रोडक्ट कॉस्टिंग इज द कॉस्ट इनकर्ड टू क्रिएट अ प्रोडक्ट दैट इज बीइंग सोल्ड इन द मार्केट। मतलब जो भी प्रोडक्ट हम मार्केट में बेच रहे हैं उसको बनाने की कॉस्ट क्या है। अब कॉस्ट में क्या क्या चीजें इंक्लूड हो जाएंगी? एक तो डायरेक्ट मटेरियल इंक्लूड हो जाएगा, डायरेक्ट लेबर इंक्लूड हो जाएगी, डायरेक्ट मटेरियल जो इन्वॉल्व है और डायरेक्ट लेबर इन्वॉल्व, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा फैक्ट्री के ओवरहेड्स, जो फैक्ट्री के ओवरहेड्स लग रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग में वो इन्वॉल्व हो जाएंगे। अब जो ये फैक्ट्री ओवरहेड्स है ना, इसमें इनडायरेक्ट जो मटेरियल है और जो इनडायरेक्ट लेबर है, ये फैक्ट्री ओवरहेड्स का ही पार्ट होता है। बेसिकली जो मटेरियल कॉस्ट है वो डायरेक्ट भी हो सकती है, इनडायरेक्ट भी, और जो लेबर है वो भी डायरेक्ट कॉस्ट हो सकती है और इनडायरेक्ट भी। तो जो ओवरहेड्स है उसमें इनडायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट लेबर आ जाएगी, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड लेबर कैन बी डायरेक्ट एज वेल एज इनडायरेक्ट, और फैक्ट्री ओवरहेड्स में जितनी भी इनडायरेक्ट कॉस्ट है, बेशक वो इनडायरेक्ट लेबर हो, मटेरियल हो या बाकी सारी कॉस्ट हो, जिससे हमारा फिनिश प्रोडक्ट क्रिएट होता है, वो सारा इसका पार्ट हो जाएगा। तो जो प्रोडक्शन प्रोसेस होता है, हम कन्वर्ट करते हैं रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड में। तो प्रोडक्ट की कॉस्टिंग समझ आ गई कि प्रोडक्ट कॉस्टिंग क्या है, कि किसी भी कॉस्ट को मार्केट में बेचने के लिए जो हमारी कॉस्ट इन्वॉल्व हो रही है, दैट इज आवर प्रोडक्ट कॉस्टिंग। अब हमें किसी प्रोडक्ट की कॉस्टिंग करनी है, ठीक है, राइट। तो उसमें कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे, तो वो हमें समझने हैं कि प्रोडक्ट की कॉस्टिंग में कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉस्ट ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करेंगे जिसकी हमें कॉस्टिंग करनी है। उसके बाद हमने कॉस्ट ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई कर लिया, देन हम उस कॉस्टिंग ऑब्जेक्ट की जितनी भी डायरेक्ट कॉस्ट एसोसिएटेड है उस कॉस्ट ऑब्जेक्ट के साथ, उसको समझेंगे। पहले हमने डायरेक्ट कॉस्ट समझ ली, उसके बाद हम ओवरहेड कॉस्ट समझेंगे, उसके बाद उस कॉस्ट को एलोकेशन बेस्ड देंगे, ठीक है। उसके बाद ओवरहेड रेट हम कैलकुलेट कर लेंगे, और जिसकी वजह से हमें पता लग जाएगा कि हमारी किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्टिंग क्या है। या तो आप इस वे में याद कर लो कि जो कॉस्टिंग है उसमें डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड आ जाता है, या फिर अभी दूसरा पर्सपेक्टिव समझ लो एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट का, ये कोई भी एक लर्न कर लो। एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट क्या हो सकते हैं, या तो मटेरियल हो सकता है, या लेबर हो सकता है, और या अदर एक्सपेंसेस हो सकते हैं। मटेरियल भी डायरेक्ट हो सकता है या इनडायरेक्ट हो सकता है, लेबर भी डायरेक्ट हो सकती है या इनडायरेक्ट हो सकती है, अदर एक्सपेंसेस भी डायरेक्ट हो सकते हैं या इनडायरेक्ट हो सकते हैं। उसके अलावा क्या होते हैं, ओवरहेड्स। ओवरहेड्स हो सकते हैं या तो फैक्ट्री ओवरहेड्स, या एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, या सेल्स ओवरहेड्स, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, ठीक है। फर्स्ट यूनिट थोड़ा सा लेंथी है, अगर ये अच्छे से समझ आ गया बाकी यूनिट समझने में इजी होगा, ठीक है। उसके बाद हम फर्दर क्लासिफाई या तो इस बेसिस पे कर सकते हैं कि जो हमारी कॉस्ट है वो फिक्स्ड कॉस्ट हो सकती है, वेरिएबल कॉस्ट हो सकती है, या सेमी वेरिएबल कॉस्ट हो सकती है, ठीक है। अभी हम कॉस्टिंग समझ रहे हैं, प्रोडक्ट कॉस्टिंग, और बाकी जो डिविजन ऑफ कॉस्ट है वो क्या हो सकती है, प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में क्या है, सिर्फ हम डायरेक्ट कॉस्ट को ही कंसीडर करते हैं। प्राइम कॉस्ट इज इक्वल टू डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। फैक्ट्री या वर्क कॉस्ट में क्या होगा, हम सिर्फ प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड्स को कंसीडर करेंगे। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में क्या होगा, हमने जो ऊपर फैक्ट्री या वर्क कॉस्ट ली थी उसमें हम एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे भी जोड़ देंगे, टोटल कॉस्ट में सारी की सारी कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है। अब अप्रोचेस क्या है प्रोडक्ट कॉस्टिंग के इन प्राइस एस्टिमेट्स एंड प्रॉफिट मैनेजमेंट, जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हमें किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्टिंग करनी है उसके क्या अप्रोचेज हैं प्राइस एस्टिमेट्स में और प्रॉफिट मैनेजमेंट में। तो बेसिकली आपको ये जस्ट फ्लो चार्ट लर्न करके जाना है। दो तरह की अप्रोचेज हैं यहाँ पे हमने जो पढ़नी है, इन द प्राइस एस्टिमेट्स एंड प्रॉफिट मैनेजमेंट। तो दो तरह की अप्रोचेज हैं, पहली तो है ट्रेडिशनल अप्रोच और सेकेंड वाली है मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच में हम क्या पढ़ेंगे, कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, ठीक है, कितनी कॉस्ट हमारी लग रही है प्लस ऊपर से हम कितनी प्राइसिंग कर रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या आएगा, टोटल या फुल कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। सेकेंड है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। थर्ड है वेरिएबल और मार्जिनल कॉस्टिंग। फोर्थ क्या हो सकता है, डिफरेंशियल कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, ठीक है। या फिर ट्रेडिशनल कंसेप्ट में नेक्स्ट क्या आ सकता है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, जो हम स्टैंडर्ड सेटअप कर देते हैं। उसके अलावा जो मॉडर्न अप्रोचेस हैं, इसमें क्या हम किस बेसिस पे हम अपनी प्राइसिंग कर सकते हैं, उसमें क्या आ सकता है, टारगेट कॉस्टिंग आ सकता है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग हो सकती है, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग हो सकती है, या फिर थ्रूपुट कॉस्टिंग हो सकती है। ये जो थोड़े से टर्म्स में डाउट्स हैं वो आपको आगे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। ये आपको टेबल एज इट इज लर्न करके जाना है कि मॉडर्न अप्रोचेस में क्या आता है और ट्रेडिशनल अप्रोचेस में क्या आता है। ट्रेडिशनल में आएगा कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, जिसके फर्दर चार पार्ट्स हैं, और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। और जो मॉडर्न अप्रोच है उसमें क्या आएगा, टारगेट कॉस्टिंग, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, या फिर थ्रूपुट कॉस्टिंग। अब आपको किसी भी आपका जो प्रोडक्ट है उसकी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसकी प्रॉफिटेबिलिटी को इन्हांस करना है, या फिर क्वालिटी
इम्प्रूव करनी है आपके प्रोडक्ट की या सर्विस की, तो क्या क्या टेक्निक्स हैं जिससे आप प्रॉफिटेबिलिटी को एनहांस कर सकते हो या फिर जो सर्विस है उस जो ये सर्विस या प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हो, तो कौन कौन सी टेक्निक्स हैं। तो अभी हमें प्रॉफिटेबिलिटी एनहांस करनी है, ठीक है। तो प्रॉफिटेबिलिटी क्या होती है पहले तो ये समझ लेते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अ प्रोडक्ट सर्विस प्रोसेस और होल बिजनेस डिपेंड्स अपॉन थ्री फैक्टर्स, कि क्या आपकी सेल है, कितना आपकी कॉस्ट ऑफ सेल है और कितना आपने पैसा लगाया है, ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है। सो आपको क्या आप कैसे प्रॉफिटेबिलिटी एनहांस करोगे, ऑब्वियसली अपनी सेल्स, जो आपकी सेल्स है उस सेल्स को क्या करोगे, इंक्रीज करोगे। अपनी जो कॉस्ट है उसको क्या करोगे, कम करोगे। और जो आपने पैसे लगाए हैं, जो आपने इन्वेस्टमेंट करी है, जो आपने कैपिटल इंप्लॉय करी है, उस पर बेटर कंट्रोल हासिल कर लोगे, जिसकी वजह से आप बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करोगे एंड आपको प्रॉफिट ज्यादा होगा। सो यू शुड इंक्रीज योर सेल्स, कंट्रोल योर कॉस्ट एंड एक्सरसाइज बेटर कंट्रोल ओवर योर कैपिटल इंप्लॉयड। ये तो सिंपल सा हो गया। उसके बाद आप अपनी वर्किंग कैपिटल को अच्छे से कंट्रोल करोगे, जो आपका प्लांट एंड मशीनरी है उसको भी अच्छे से मैनेज करोगे। उसके अलावा आप बहुत सारी टेक्निक्स अडॉप्ट कर सकते हो जिसकी वजह से आपकी प्रॉफिटेबिलिटी एनहांस होगी। वो क्या है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कर सकते हो, बजटरी कंट्रोल कर सकते हो, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस कर सकते हो, एबीसी कर सकते हो, मतलब एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग कर सकते हो, या फिर एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट कर सकते हो, टारगेट कॉस्टिंग कर सकते हो, केंजिंग कॉस्टिंग, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, बेंचमार्किंग, वैल्यू चेन एनालिसिस, जस्ट इन टाइम सिस्टम। तो आप एन नंबर ऑफ चीजें कर सकते हो, एन नंबर ऑफ टेक्निक्स अडॉप्ट कर सकते हो, जिसकी वजह से जो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी है वो एनहांस हो रही है। सेकेंड एस्पेक्ट हमारा आ जाता है क्वालिटी। अब क्वालिटी क्या होती है, क्वालिटी इज अ परसेप्चुअल, कंडीशनल और समवट सब्जेक्टिव एट्रीब्यूट। हर एक के लिए क्वालिटी क्या है, सब्जेक्टिव है। मेरे लिए क्वालिटी ज़ारा हो सकती है और किसी के लिए क्वालिटी कुछ और, मतलब कोई लोकल हो सकती है। तो डिपेंड करता है कि क्वालिटी इज अ सब्जेक्टिव एट्रीब्यूट और ये डिफरेंट लोग डिफरेंट समझते हैं, डिफरेंट लोगों का नजरिया डिफरेंट होता है फॉर द क्वालिटी। सो सिंपली पुट, क्वालिटी आइटम हैज द एबिलिटी टू परफॉर्म सेटिस्फैक्टरीली इन सर्विस एंड इज सुटेबल फॉर द इंटेंडेड पर्पस। तो क्वालिटी क्या है कि जो आपका इंटेंडेड पर्पस है उसको वो चीज सेटिस्फाई कर रही है, दैट इज अ क्वालिटी। सो मैन्युफैक्चरिंग में क्वालिटी बेसिकली क्या आ गया कि वो डिफेक्ट से फ्री है और उसमें कोई डिफिशियंसीज नहीं है या कोई सिग्निफिकेंट वेरिएशंस नहीं है, ठीक है। जो ISO वगैरह है वो डिफाइन क्या करता है कि जो क्वालिटी प्रोडक्ट है उसका मतलब होता है कि उसमें टोटलिटी ऑफ फीचर्स हैं, करेक्टरिस्टिक्स हैं, जो कि जो यूजर है उसकी इम्प्लाइड नीड को क्या कर रहे हैं या जो स्टेटेड नीड है उसको क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है। अब हमें क्वालिटी को चेक करना है, उसके लिए हमारे पास क्या टेक्निक्स हो सकती हैं। या तो हम प्रोडक्ट की क्या कर सकते हैं, टेस्टिंग एंड इंस्पेक्शन कर सकते हैं, प्रोसेस कंट्रोल कर सकते हैं, ऑनरशिप देख सकते हैं कि हाँ किसकी है, ठीक है, कंट्रोल चार्ट्स यूज कर सकते हैं, बहुत सारे मैट्रिक्स यूज कर सकते हैं, बेंचमार्किंग कर सकते हैं, और या फिर प्रोडक्ट्स को मैनुअली उठा के देख सकते हैं कि इसमें कितने एरर हैं, तो एरर काउंटिंग कर सकते हैं। उसके अलावा आजकल ये टर्म आपने बहुत बार सुनी होगी, दैट इज टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, TQM, ठीक है। TQM में क्या होता है, आप एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट करते हो, मतलब जो टॉप मैनेजमेंट है वो इंश्योर करता है कि सब कुछ सही है या नहीं, प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। ये TQM के 5 पॉइंट्स हैं, कस्टमर पे फोकस करना, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट करना कि चीजों में कोई लैक तो नहीं है, और इंप्लॉयज को भी इन्वॉल्व करना ताकि सब चीजें प्रॉपर हो। सो TQM कर सकते हो, दैट इज टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। उसके अलावा मैंने आपको बताया था कि मैं सिक्स सिग्मा आपको बाद में बताऊंगी, तो सिक्स सिग्मा है क्या, तो अभी सिक्स सिग्मा एक टेक्निक होती है जिसका मतलब होता है हमें क्वालिटी को इम्प्रूव करना है। सिक्स सिग्मा सीक्स टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ प्रोसेस या आउटपुट बाय आइडेंटिफाइंग एंड रिमूविंग द कॉजेज ऑफ डिफेक्ट्स। तो जितने भी डिफेक्ट्स हैं या एरर्स हैं उनको रिमूव करके जो प्रोडक्ट्स आते हैं वो बिल्कुल मतलब अच्छे वाले आते हैं, जो फ्री ऑफ डिफेक्ट्स होते हैं। तो इसमें हम सिक्स सिग्मा कैलकुलेटर यूज करते हैं, ठीक है। और इसकी जो सिक्स सिग्मा है इसकी दो सब मेथडोलॉजीज हैं, और वो जो दो सब मेथडोलॉजीज हैं वो क्या है, एक तो एक्रोनिम है DMAIC, ये क्या है, डिफाइन करना, मैयर करना, एनालाइज करना, इम्प्रूव करना एंड कंट्रोल करना। और दूसरी मेथडोलॉजी क्या बोलती है, DMADV, इसमें डिफाइन, मैयर, एनालाइज, ये तीन पॉइंट्स तो सेम है। उसके बाद क्या आएगा, डिजाइन एंड वेरीफाई, उसमें इंप्रूव एंड कंट्रोल था, और इस दूसरी मेथडोलॉजी क्या बोलती है, डिजाइन एंड वेरीफाई, ठीक है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, जो चीजें बन रही हैं वो बिल्कुल इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट के साथ है और क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं, विच आर द फ्री ऑफ डिफेक्ट प्रोडक्ट्स, और 99.9996 मतलब इतने ज्यादा एक्यूरेट प्रोडक्ट्स, ठीक है, इतने परसेंट एक्यूरेट प्रोडक्ट्स। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है, दैट इज एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। अभी हमें एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट समझना है, तो उसके लिए एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग को समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग
मतलब आपको नाम से क्लियर होना चाहिए कि हम कोस्टिंग कर रहे हैं, हर एक एक्टिविटी की एक्टिविटी बेस्ड पर हम कोस्टिंग कर रहे हैं। सो एक्टिविटी बेस्ड कोस्टिंग इज अ कोस्टिंग मेथडोलॉजी दैट असाइंस कोस्ट टू एक्टिविटीज। हम जो कोस्ट असाइन कर रहे हैं वो एक्टिविटीज को कर रहे हैं रेदर देन द प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, ठीक है। और एबीसी से हम जो फ्लो ऑफ एक्टिविटीज है उस पर भी ट्रैक रखते हैं। इसके बेसिकली चार कोर एरियाज हैं, चार नहीं बेसिकली आप दो कोर एरियाज भी बोल सकते हो। एक तो हो गया आपका कॉस्ट ऑब्जेक्ट और एक हो गया कॉस्ट ड्राइवर्स, ठीक है। कॉस्ट ऑब्जेक्ट मतलब जिसकी आपको कॉस्ट पता करनी है, और कॉस्ट ड्राइवर्स, और जो आपके कॉस्ट ड्राइवर्स हैं दैट कुड बी रिसोर्स कॉस्ट ड्राइवर्स मतलब आप क्वांटिटी चेक कर रहे हो, और एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर्स एक्टिविटी मतलब आप फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी ऑफ डिमांड चेक करते हो उसमें, ठीक है। अब हमें एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग करनी है, तो एबीसी कोस्टिंग टूल को आप यूज करके मैनेज करोगे अपनी कॉस्ट को। कोई भी आपकी एक्टिविटी है उसकी आपने कॉस्टिंग जानी, अब ऑब्वियसली आप उसको मैनेज करोगे। तो एबीसी का प्रैक्टिकल अप्रोच क्या है, एबीएम। एबीएम क्या है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। एबीएम क्या है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट मैनेजमेंट। तो जो एबीसी है वो सिंपली क्या करता है, वो आपको इन्फॉर्मेशन सप्लाई करता है, और एबीएम क्या करता है, उस इन्फॉर्मेशन को यूज करता है ताकि जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें क्या हो सके, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट हो सके, ठीक है। तो एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट इज अ टाइप ऑफ एनालिसिस दैट हेल्प्स एन ऑर्गेनाइजेशन, जिससे वो अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेस को डिटरमाइन करती हैं, और वेयर इट इज लूजिंग द मनी और टाइम और एफर्ट्स, उन चीजों को मिनिमाइज करने की कोशिश करती है। तो ये सब चीजें क्या करती हैं, एड वैल्यू करती हैं कंपनी को, और मतलब हम उन चीजों को देख सकते हैं कि ऐसी कौन सी एक्टिविटीज है विच एड वैल्यू टू द कंपनी एंड विच डजंट। सो मैनेजमेंट उन चीजों पर एक्शन लेती है और उन एक्टिविटीज को कट कर देती है, ठीक है, जो फालतू की होती है। तो अभी हमें एक्टिविटी कोस्ट, एक्टिविटी बेस्ड कोस्ट मैनेजमेंट करना है, तो उसके बेसिकली पांच स्टेजेस हैं, और हम इसमें एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट मॉडल को पढ़ने वाले हैं। अभी हमें एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट मैनेजमेंट करना है, तो सबसे पहले हमें एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, उसके बाद उनको क्या करनी पड़ेगी, कॉस्ट असाइन करनी पड़ेगी टू द कॉस्ट पूल ऑफ ईच एक्टिविटी, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एक्टिविटीज दैट हैव टेकन प्लेस इन द ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, असाइन करेंगे कॉस्ट टू द कॉस्ट पूल फॉर ईच एक्टिविटी। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, हम स्प्रेड करेंगे स्पोर्ट एक्टिविटीज अक्रॉस द प्राइमरी एक्टिविटीज, मतलब बेसिकली हमें कॉस्ट ड्राइवर्स, और हमें ये पता होना चाहिए कि क्या हमारे कॉस्ट ड्राइवर्स हैं और या कौन सी हमारी कॉस्ट यूनिट है, हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा ना। तो उसके बाद हम डिटरमाइन करेंगे कॉस्ट ड्राइवर फॉर ईच एक्टिविटी, उसके बाद असाइन कर देंगे कॉस्ट को, ठीक है। अब ये जो हमारा एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट मॉडल है, ये आप अगर आपको लर्न रहता है तो आप ये डायग्राम लर्न कर सकते हो, ये डायग्राम बना के आ सकते हो। तो सेंटर में क्या आ गया, एक्टिविटीज आ गया, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, एक हमारे होते हैं कॉस्ट ऑब्जेक्ट्स और एक होते हैं कॉस्ट ड्राइवर्स, ठीक है। रिसोर्सेज होती हैं, परफॉर्मेंस को हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं, और दैट इज बेस्ड ऑन कॉस्ट ड्राइवर्स। परफॉर्मेंस को हम एनालाइज करते हैं, एक्टिविटीज को क्या एनालाइज करते हैं, ताकि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें क्या हो सके, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट हो सके, ठीक है। तो यही चीज है कि आपको ये चीज बेसिकली पता होनी चाहिए, ठीक है। इसको लर्न करना वैसे बहुत ही इजी है, एक बार आपको दोबारा बता देती हूँ। एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट मॉडल में आपको कॉस्ट ऑब्जेक्ट और कॉस्ट ड्राइवर्स बताया था, कॉस्ट ड्राइवर्स रिसोर्स कॉस्ट ड्राइवर्स भी हो सकते हैं और एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर्स भी हो सकते हैं। इन सबका मेन रोल क्या है कि हमें बिजनेस परफॉर्मेंस को क्या करना है, मेयर करना है। तो अब हम मेयर कैसे करेंगे, कॉस्ट ड्राइवर्स को एनालाइज करके, परफॉर्मेंस को एनालाइज करके और एक्टिविटीज को एनालाइज करके, ताकि हम कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट ला सके जिसकी वजह से जो परफॉर्मेंस है वो और बेटर हो सके, ठीक है। तो एबीएम में हम बेसिकली जो एक्टिविटीज हैं उनको दो तरह से क्लासिफाई करते हैं, या तो हमारी जो एक्टिविटीज होती हैं मतलब एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट में, वो या तो होती हैं वैल्यू एडेड एक्टिविटीज, मतलब वो वाली एक्टिविटीज जो बिजनेस परफॉर्मेंस के लिए बहुत ज्यादा नेसेसरी होती हैं, और जो नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज होती हैं वो क्या होती हैं, वो एक तरह से वेस्ट होती हैं और डिले का कारण बनती हैं, बट कहीं ना कहीं हमारी कॉस्ट में एड अप करती हैं, जिसके लिए जो कस्टमर है दैट कस्टमर इज नॉट विलिंग टू पे। तो हमें ट्राई करना चाहिए कि हम जो नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज है उनको एलिमिनेट करने का कोशिश करें। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है टारगेट कॉस्टिंग। ये भी आपको टर्म से ही क्लियर होना चाहिए, टारगेट कॉस्टिंग मतलब आपने एक टारगेट निश्चय किया है कि आपका ये टारगेट है इस कॉस्ट पे बनाना, तो आपने टारगेट बेस्ड कॉस्टिंग करनी है। सो टारगेट कॉस्टिंग क्या है, टारगेट कॉस्टिंग इज अ मैनेजमेंट टेक्निक दैट असिस्ट अ बिजनेस इन डीलिंग द प्राइसेस बेस्ड ऑन द एक्सटर्नल फैक्टर्स, ठीक है। आपको मैं ये डायग्राम एक सेकंड समझाती हूँ, उससे पहले आपको एक चीज समझा रही हूँ कि जो टारगेट कॉस्टिंग है इसका ओरिजिन कहाँ पे हुआ था। जो टारगेट कॉस्टिंग है दैट इमर्ज्ड इन जापान इन 1960s में, बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट कंडीशंस थी जब ये टारगेट कॉस्टिंग का जो कंसेप्ट है वो मर्ज हुआ।
तो अभी जो टारगेट कॉस्टिंग है उसकी एग्जांपल यहाँ पे लिखी हुई है कि कंपनी ए अप्रोच करती है कंपनी बी के पास कि उसे कस्टमाइज प्रोडक्ट बनाना है। सो उसने टू कोट द प्राइस, कंपनी बी विल रिव्यू सिमिलर प्रोडक्ट्स इन द मार्केट ताकि वो डिसाइड कर सके कि वो अपना सेलिंग प्राइस कितना रखेगी। सो वो चूज कर लेगी कि हाँ मुझे कॉस्ट इतनी रखनी है और मुझे डिजायर्ड प्रॉफिट इतना चाहिए, तो उससे वो टारगेट कॉस्ट पर आ जाएगी। सबसे पहले अपना प्राइस डिसाइड करेगी, देन उसके बाद अपना सेलिंग प्राइस डिसाइड करने के बाद वो डिजायर्ड प्रॉफिट चूज कर लेगी, देन वो टारगेट कॉस्ट पर आ जाएगी कि हाँ मेरे को इतनी कॉस्ट पे ये चीज बनानी है। ठीक है, तो फीचर्स क्या है टारगेट कॉस्टिंग की? नो कंट्रोल ओवर द प्राइस सेटिंग, सेट टारगेट प्राइस इंक्लूड मिनिमम डिजायर्ड प्रॉफिट एंड देन उसकी बेसिस पे उनकी डिजायर्ड जो टारगेट कॉस्ट है वो आ जाती है। इसका बेनिफिट क्या होता है? आपको पता है कि आपने इस प्राइस पे बेचना है और आपको इतना प्रॉफिट कमाना है और इसकी वजह से आपका जो कॉस्ट है वो इतना होना चाहिए। तो इसकी वजह से जो मैनेजमेंट है वो इनकरेज हो जाता है कि उनको कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट करनी है, कस्टमर्स को सेटिस्फाई करना है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल्स पर आ जाती है, मतलब ज्यादा खरीदेंगे तो उन्हें सस्ती पड़ेंगी चीजें, और जो रियल सेविंग्स है वो करती है कंपनीज। बट डिसएडवांटेज है क्योंकि बहुत ही लेंथी प्रोसीजर है, डिफिकल्ट हो जाता है कई बार एक कंसेंसस पे पहुंच पाना। रिड्यूसिंग कॉस्ट में हर्ट द इम्प्लॉयज मोराल, और इसमें टायरलेसली वर्क करना पड़ता है टीम को ताकि वो टारगेट कॉस्ट को मीटअप कर सके। ठीक है, सो इसमें बेसिकली प्रोसेस क्या है यहाँ पे पहुंचने का? तो आप रिसर्च करोगे और मैक्सिमम कॉस्ट को कैलकुलेट करोगे, प्रोडक्ट को बार बार इंजीनियर करोगे ताकि आप टारगेट कॉस्ट को अचीव कर पाओ, और ऑनगोइंग एक्टिविटीज को भी चेकअप करते रहोगे। ये प्रोसेस लर्न करने की नीड नहीं है। ठीक है, अब कॉस्ट रिडक्शन करनी है हमें, कॉस्ट क्या करनी है? रिडक्शन करनी है। तो इसके ना दो अप्रोचेज हो सकते हैं, या तो हम फोकस करें कंपोनेंट पर या फिर हम फोकस करें फीचर्स पर। अब प्रोसेस क्या है टारगेट कॉस्टिंग का, ये इंपॉर्टेंट है, हमें प्रोसेस समझना है। सबसे पहले हम सेट करेंगे सेलिंग प्राइस, मतलब हमें इस प्राइस पर बेचना है। सेकंड हम सेट करेंगे टारगेट प्रॉफिट, हमें पता लग गया कि हमें इस प्राइस पे बेचना है और इतना प्रॉफिट कमाना है। ऑब्वियसली जब हम सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट को माइनस करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगी? टारगेट कॉस्ट आ जाएगी। सो हम कैलकुलेट कर लेंगे हमारी टारगेट कॉस्ट इतनी है, उसके बाद हम कॉस्ट गैप को फाइंड आउट करेंगे कि हमारी टारगेट कॉस्ट इतनी है पर हमारी एक्चुअल कॉस्ट तो ये थी, तो हम कैलकुलेट करेंगे कि हमारी कॉस्ट में कितना गैप पड़ रहा है, उसके बाद हम ट्राई करेंगे उस गैप को क्लोज करने का। ठीक है, सो ये इजी प्रोसेस है टारगेट कॉस्टिंग का, इतना कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है केन्जियन कॉस्टिंग। केन्जियन का आपको मैं मतलब बता देती हूँ, केन्जियन का मतलब होता है चेंज फ्रॉम इम्प्रूवमेंट। आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए, उसके लिए आप क्या क्या चेंजेस लेके आ रहे हो। के का मतलब होता है चेंज, जेन का मतलब होता है गुड, अच्छे के लिए चेंजेस लेके आना। सो केन्जियन कॉस्टिंग इज अ कॉस्ट रिडक्शन सिस्टम, मतलब आप अपने प्रोडक्ट को वही ऐसे डिजाइन कर रहे हो कि जो आपकी कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जा रही। सो इट इज अ कॉस्ट रिडक्शन प्रैक्टिस आल्सो नोन एज कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट कॉस्टिंग। सो कंपनी अपनी कॉस्ट को रिड्यूस करती है विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द स्टैंडर्ड्स सेफ्टी एंड क्वालिटी। क्वालिटी स्टैंडर्ड और सेफ्टी से बिना कॉम्प्रोमाइज करे अपनी कॉस्ट को घटाना एक तरह से क्या हो गया? केन्जियन कॉस्टिंग हो गया। जब भी केन्जियन कॉस्टिंग आएगी आपको केन्जियन कॉस्टिंग के 5S फ्रेमवर्क पता होने चाहिए। सॉर्ट करना, सेट इन ऑर्डर, स्टैंडर्डाइज, शाइन, सस्टेन। मतलब सॉर्ट का मतलब है सेपरेट आइटम्स दैट आर नीडेड फ्रॉम दोस दैट आर अननीडेड, मतलब एलिमिनेट द अननीडेड, मतलब सॉर्ट करना कि आपको ये चीजें चाहिए, ये चीज आपको नहीं चाहिए। ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब होता है, सेट इन ऑर्डर का मतलब होता है कि कीप द नीडेड आइटम्स इन राइट प्लेस ताकि उनको जल्दी से मिल सके। ठीक है, उसके बाद जो आपकी वर्क प्लेस है उनको शाइनी मतलब क्लीन रखना। स्टैंडर्डाइज मतलब स्टैंडर्डाइज अप्रोच यूज करना, डिसिप्लिन मतलब प्रॉपरली डिसिप्लिन से सस्टेन करना उन सब चीजों को। सो केन्जियन 5S फ्रेमवर्क में क्या है? सॉर्ट, सेट इन ऑर्डर, सस्टेन, स्टैंडर्डाइज एंड शाइन, ये पांचों वर्ड्स हमें लर्न होने चाहिए। नेक्स्ट है बेंचमार्किंग। बेंचमार्किंग क्या होता है? बेंचमार्क आपको पता है, ये बेंचमार्क मतलब एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस या कंपैरिजन सेटअप कर देना कि आपका बेंचमार्क है, आपको ये बेंचमार्क अचीव करना है। सो बेंचमार्किंग इज अ प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग द कॉस्ट, साइकिल टाइम, प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी, किसी भी चीज के लिए बेंचमार्क हो सकता है ताकि आप उस स्टैंडर्ड या उस बेंचमार्क तक पहुंच सको। ठीक है, ये बेस्ट प्रैक्टिस बेंचमार्किंग होती है। सो बेंचमार्किंग इज अ टेक्निक ऑफ इवैल्यूएटिंग अ कंपनीज परफॉर्मेंस बाय कंपेयरिंग इट विद द कॉम्पिटिटर या ओवरऑल इंडस्ट्री। तो अब जो बेंचमार्क है वो आप अपने कॉम्पिटिटर को भी रख सकते हो या ओवरऑल इंडस्ट्री को भी रख सकते हो। ठीक है, आप परफॉर्मेंस करोगे और कंपेयर करोगे उस चीज को। अब टाइप्स ऑफ बेंचमार्किंग में ना दो क्लासिफिकेशन आ जाती हैं, मतलब जो आप कंपेयर कर रहे हो या तो आप इंटरनली करो विद इन द डिपार्टमेंट, या फिर आप जो आपका कॉम्पिटिटर है उससे करो, या फिर जो इंडस्ट्री में आपके लीडर्स हैं उनसे कंपेयर करो। सो इसकी वजह से आप कॉम्पिटिटिव रहोगे, प्रोग्रेसिव रहोगे। और लिमिटेशन क्या है? कंपैरिजन ऑफ नंबर्स ओनली।
आप क्वालिटेटिव चीजों का इतना कंपैरिजन नहीं कर सकते जितना आप क्वांटिटेटिव चीजों का कर सकते हो, राइट। और इसमें आप प्रॉपरली सॉल्यूशंस ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो जाता है बेंचमार्किंग में। या तो आप टाइप्स में इंटरनल, कॉम्पिटिटिव और इंडस्ट्री भी लिख सकते हो, या फिर आप टाइप्स ऑफ बेंचमार्किंग में क्या लिख सकते हो कि आप प्रोसेस की बेंचमार्किंग कर रहे हो, फाइनेंसिस की बेंचमार्किंग कर रहे हो, परफॉर्मेंस की बेंचमार्किंग कर रहे हो, प्रोडक्ट्स की बेंचमार्किंग कर रहे हो, स्ट्रेटजीज की कर रहे हो, फंक्शंस की कर रहे हो। मतलब आप एलिमेंट अप्रोच पर भी आ सकते हो फॉर द बेंचमार्किंग। प्रोसेस बेंचमार्किंग, परफॉर्मेंस बेंचमार्किंग, प्रोडक्ट बेंचमार्किंग, स्ट्रेटजिक बेंचमार्किंग, फंक्शनल बेंचमार्किंग या फिर फाइनेंशियल बेंचमार्किंग, ठीक है। अब नेक्स्ट है प्रोसीजर ऑफ बेंचमार्किंग। अभी हमें बेंचमार्किंग करनी है तो उसके लिए हम कौन सा प्रोसीजर फॉलो करेंगे जिसकी वजह से हम बेंचमार्किंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप अपनी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करोगे, उसके बाद अदर इंडस्ट्रीज जिनका सेम प्रोसेस है उनको फाइंड आउट करोगे, उसके बाद आपकी जो इंडस्ट्री है उसमें लीडर्स देखोगे कौन से लीडर्स हैं, उसके बाद सर्वे करोगे, उसके बाद जो बेस्ट प्रैक्टिस है वो देखोगे कि कौन सी है और उसको आप अडॉप्ट करके इम्प्लीमेंट करके देखोगे कि क्या आपका जो बिजनेस है वो फ्लरिश हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। जब आप बेंचमार्किंग करते हो उसमें बहुत सारी ना कॉस्ट इन्वॉल्व हो जाती है, क्योंकि आप बेंचमार्किंग कर रहे हो तो उसमें टाइप तीन टाइप की बेसिकली कॉस्ट इन्वॉल्व हो जाती है। एक तो विजिट कॉस्ट, जाने आने की, टाइम कॉस्ट, और एक बेंचमार्किंग डाटाबेस कॉस्ट। सो कॉस्ट क्या है बेंचमार्किंग की? टाइम कॉस्ट, विजिट कॉस्ट और बेंचमार्किंग डाटाबेस कॉस्ट, ठीक है। अभी नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एनवायरमेंटल कॉस्टिंग। ऑब्वियसली आपको नाम से क्लियर होना चाहिए कि एनवायरमेंटल कॉस्टिंग में हम एनवायरमेंटल एक्टिविटीज को भी कंसिडरेशन में ले लेते हैं। सो दीज आर द कॉस्ट कनेक्टेड विद द एक्चुअल और पोटेंशियल डिटेरियोरेशन ऑफ नेचुरल एसेट्स ड्यू टू द इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो जो हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज कर रहे हैं उसकी वजह से जो एनवायरमेंट है उसमें जो डिप्लीशन आ रहा है उसको भी हम कंसिडरेशन में ले लेंगे। सो एनवायरमेंट कॉस्ट में क्या आ जाएगी कि क्लीन अप में या जो फाइन्स है, पेनल्टीज है, पॉल्यूशन है, मैनेजमेंट कॉस्ट है, वो सारी कॉस्ट को हम कंसिडरेशन में ले लेंगे। सो अगर हम एनवायरमेंटल परस्पेक्टिव से देखें तो हमने क्या करना है, मिनिमाइज करने हैं रॉ मटेरियल्स को यूज करना, ठीक है, उसके बाद मिनिमाइज करना है हैजार्डस मटेरियल को यूज करना और जो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको भी मिनिमाइज करना है, या जितना भी रिलीज हो रहा है रेजिड्यू या वेस्ट उसको भी रिड्यूस करना है, और जो रिसाइकल की अपॉर्चुनिटीज है उनको क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है, मिनिमाइज करना है मटेरियल्स का यूज और एनर्जी रिक्वायरमेंट्स का यूज, और जो बच रहा है वेस्ट है उसको भी रिड्यूस करना है, और साथ में ट्राई करना है कि जो रिसाइकल अपॉर्चुनिटीज है थ्री आर्स में रिसाइकल, रिड्यूस और रियूज, इसको मैक्सिमाइज करने का ट्राई करना है। सो जो एनवायरमेंटल अकाउंटिंग के डिसिप्लिन है वो बेसिकली ये तीन आ जाते हैं। एक तो हो जाता है ग्लोबल एनवायरमेंटल अकाउंटिंग, एक हो जाता है नेशनल लेवल पे एनवायरमेंटल की ऑडिटिंग, और एक हो सकता है कॉर्पोरेट लेवल पे एनवायरमेंटल की ऑडिटिंग। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है फ्लेक्सिबल बजट्स। फ्लेक्सिबल बजट्स क्या हो जाते हैं? फ्लेक्सिबल बजट्स कैन बी प्रिपेयर्ड फॉर एनी इंडिविजुअल बजट विद इन अ मास्टर बजट। मतलब कि हम किसी मास्टर बजट में एक इंडिविजुअल बजट बनाते हैं, दैट इज अ फ्लेक्सिबल बजट। तो जो हमारे फ्लेक्सिबल बजट्स हैं इसमें हम क्या करते हैं, जितना भी हमारा कॉस्ट या रिवेन्यू, जब भी हम बजट बनाएंगे ऑब्वियसली जितनी भी हमारी कॉस्ट है या जितना भी हमारी रिवेन्यू है उसको हम कंसीडर करेंगे, और उसके बाद एस्टिमेट करेंगे कि क्या हमारे एस्टिमेट्स हैं और क्या एक्चुअल परफॉर्मेंस रही किसी भी कंपनी की, और जो हमारी कॉस्ट है दैट कुड बी फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट या फिर सेमी वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। उसके बाद इसके बहुत ज्यादा डिसएडवांटेजेस भी होते हैं क्योंकि रिक्वायरमेंट होती है स्किल लेबर्स की, काफी ज्यादा एरर्स हो जाते हैं बजट बनाने में, फॉरकास्ट करना डिफिकल्ट हो जाता है, और एक्सपेंसेस डिफरेंट होते हैं जो हम एस्टिमेट करते हैं, और एक्चुअल में कुछ चीजें डिफरेंट हो जाती हैं। तो अब हमें फ्लेक्सिबल बजट बनाना है। फ्लेक्सिबल बजट बनाने के तीन तरीके हैं, या तो फॉर्मूला मेथड, आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो, या फिर टैबुलर मेथड यूज कर सकते हो, या फिर ग्राफिकल मेथड यूज कर सकते हो। अभी हमारा लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का, दैट इज एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग। अभी आपने एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग भी पढ़ के हटे हो और एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट भी पढ़ के हटे हो, तो अभी ऑब्वियसली हमें कॉस्टिंग कर ली, अब उसका हम क्या बनाएंगे, बजट बनाएंगे। बजटिंग क्या हो गया, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड हो गया, रिसर्च हो गया और एनालिसिस हो गया, जो चीजें कॉस्टिंग ऑफ अ कंपनी में इन्वॉल्व होती है। सो एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग द एक्सपेक्टेड एक्टिविटीज फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, जिससे जो हमारा बजट है वो कॉस्ट इफेक्टिव हो और जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं किसी भी फॉर्म की वो मीटअप हो सके। सो जब भी हम एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग करेंगे हमें किन चीजों को कंसिडर करना है, किस टाइप की एक्टिविटी है, कितनी क्वांटिटी में वो एक्टिविटी हो रही है, और क्या कॉस्ट एक्टिविटी की, टीक्यूसी मतलब टाइप, क्वांटिटी एंड कॉस्ट ऑफ द एक्टिविटी। सो जब हम एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग करेंगे तो हम कंसीडर करेंगे जितने भी ओवरहेड्स हैं। इसके बहुत ज्यादा एडवांटेजेस होंगे, डिसएडवांटेजेस होंगे, ये लर्न करने की नीड नहीं है, आप अपनी तरफ से ये पॉइंट्स बना सकते हो। अब जो आपकी एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग है वो कैसे दिखेगी, जो ट्रेडिशनल बजट्स होते थे उसमें हम क्या लिखते थे, सैलरीज, वेजेस, बेनिफिट्स, मटेरियल्स, ये सारी हमारी कॉस्टिंग है। पर जो एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग है आप उसमें एक्टिविटीज लिखोगे कि आपको ट्रेनिंग करने में कितना खर्चा हुआ, एंड यूजर को सपोर्ट्स
प्रोवाइड करने में कितना खर्चा हुआ, एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर डेवलप करने में कितना खर्चा हुआ, हार्डवेयर को मेंटेन करने में या सॉफ्टवेयर को मेंटेन करने में कितना खर्चा हुआ, मतलब एक्टिविटी के बेस पे बजट बनाओगे, दैट इज एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग। आई होप आपको ये वीडियो सीरीज अच्छी लग रही होगी, एंड इन केस यू लाइक द चैनल प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।